नमस्कार दोस्तों, आप सभी तमाम दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी वैक्सीनेटर सहायक हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर जो है निकल के सामने आ रही है। जैसा कि आप सभी जो है तस्वीरों में देख रहे हैं, वैक्सीनेटर सहायकों ने जो वहां पर सक्रिय थे, बहुत ही जो है सक्रियता के साथ धरना प्रदर्शन किया। और उसके बाद अब सबको एक ही सवाल का जवाब चाहिए कि पशुपालन विभाग या फिर जो है भारत जो है सरकार की तरफ से क्या फैसला आता है वैक्सीनेटर सहायकों के धरने के बाद? क्या उन्हें जो है मानदेय पर रखा जाएगा अभी भी, या फिर उनका जो है पैसा बढ़ाया जाएगा, या फिर जो 18,000 सैलरी की मांग की जा रही थी वो उनको दी गई? और इस पर जो है ज्ञापन का क्या जवाब आया है मुख्यमंत्री जी का, इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। चलिए आपको बताते हैं बिना समय गवाए हुए, लेकिन अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हमेशा जो है नॉलेज वाली चीज़ें की जानकारी दी जाती है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि वैक्सीनेटर सहायकों के जो ज्ञापन देने के बाद में वहां पर जो है पुलिस वालों को जो है सौंप करके ज्ञापन, और वहां पर से सभी लोग जो है धरना प्रदर्शन से स्थल से आए, और एक ही दिन दिवसीय जो है धरना प्रदर्शन था। जैसा कि पहले बहुत सारे वैक्सीनेटरों ने कहा था कि 5 दिवसीय जो है धरना चलेगा, और जब तक इस पर जो है मुख्यमंत्री जी आकर के खुद नहीं मिलेंगे तब तक हम लोग यहां से नहीं जाएंगे धरना स्थल से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक दिन में ही धरना प्रदर्शन ख़त्म हो गया, और लगभग वहां से 10-11 बजे तक सारे वैक्सीनेटर सहायक जो है वहां से चले गए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो अब सूचना आ रही है वो ये आ रही है कि मुख्यमंत्री जी तक जो है ज्ञापन पहुँच चुका है, और इसका जो है जल्द ही मुख्यमंत्री जी कोई इस पर बड़ा ऐलान करेंगे। और इस जानकारी को जो है काफ़ी न्यूज़ चैनलों ने भी जो है प्रसारित किया, तो इसका एक बहुत ही अच्छा जो है रिस्पांस जो है वैक्सीनेटर सहायकों के प्रति गया, और इसका जो है सीधा बेनिफिट वैक्सीनेटर सहायकों को होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।